सैफ अली खान मुंबई के कोकिला बहन अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी घुटने और ट्राइसेप की सर्जरी हुई है। पुरानी चोट की वजह से सर्जरी को कराना पड़ा। अपनी लेटेस्ट फिल्म के एक्शन सीन्स करते वक्त उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अभी उनकी हालत ठीक है और वो तेजी से रिकवर कर रहे हैं। सैफ ने अपनी हेल्थ अपडेट देते हुए कहा कि वो डॉक्टरों के शुक्रगुजार हैं। साथ ही उन्होंने अपने फैंस और वेलविशर्स को भी धन्यवाद दिया है। सैफ की ये सर्जरी काफी समय से पेंडिंग थी। इंडिया टुडे से बात करते हुए एक्टर ने कहा कि हम जो भी करते हैं ये चोट और सर्जरी उसका ही नतीजा है। मैं खुश हूँ कि ऐसे डॉक्टर्स मिले और सभी वेलविशर्स को उनके प्यार के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपको बता दें कि इससे पहले भी खबरें आई थी कि देवारा की शूटिंग के दौरान सैफ के घुटने और कंधे पर चोट लगी है। उनकी ट्राइसेप सर्जरी एक पुरानी चोट के कारण हुई जो फिल्म में एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माते वक्त लगी थी। केवल यही नहीं, विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून की शूटिंग के दौरान भी सैफ घायल हो गए थे। उन्हें कई बार क्रैप बैंडेज लगाए देखा गया था। फिल्म के क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग के वक्त उनके अंगूठे में भी चोट लग गई थी। पिछले महीने सैफ को करण जौहर के शो कॉफी विद करण सीजन 8 में देखा गया। वो अपनी माँ शर्मिला टैगोर के साथ हॉट सीट पर बैठे थे। एक्टर के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी आखिरी फिल्म आदि पुरुष थी जिसमें वो रावण के किरदार में थे। फिल्म में उनके गेटअप को लेकर काफी ट्रोल किया गया था। सैफ इस साल तेलुगु फिल्म देवारा में नजर आएंगे। इस फिल्म के अन्य कलाकारों में जूनियर NTR और जानवी कपूर भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ST न्यूज़।